दोस्तों, मैं पंकज वानिया आज आपके लिए अल्टरनेटर लाया हूँ। इसकी मोटी मोटी जो है वो सामने फील्ड है और बारीक बारीक जो है वो उसके सामने है, आमने सामने। तो इसके हम ये देखें, ये करंट नहीं बना रहा। किस वजह से नहीं बना रहा? तो ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था किसी के पास, तो कह रहा था जी 3-4 साल से ये खुला नहीं है और ना स्टार्ट हुआ है, तो ये करंट नहीं बना रहा। तो अभी इंजन करवाया उसने, इंजन के बाद ये अल्टरनेटर करने बना रहा था। इसे खोल के हम चेक कर रहे हैं क्या हो सकता है। जब सेट बंद है और सेट बंद होने के बाद तो हम किस तरीके से देख सकते हैं। तो वैसे इसके तारवार टूटे थे फील्ड के, तो इसलिए हम इसको फील्ड को खोलते हैं और खोल के इसको निकालते हैं फील्ड को, और उसका तार चेक करते हैं। ये एलुमिनियम में फील्ड है और कनेक्शन आप देख लें, जब भी किसी को खोले तो कनेक्शन आप देख के खोलें। तो देखें, ये एलुमिनियम की है और इसमें पानी वानी भी गया हुआ है। तो देखें, बीच बीच में गल सी रही है, जैसे सफ़ेद सफ़ेद सी हो जाती है पानी जाने से एलुमिनियम। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से हो रही है, तो मोटी वाली भी कुछ ऐसी हो रही है। तो देखें, मोटी वाली भी कुछ ऐसी हो रही है, तो मोटी वाली तो चल जाएगी। बारीक वाली हम एक बार ऐसी लगा के देखते हैं, काम करती है नहीं करती, अंत दोबारा हम इसे बना के लगा देते हैं। तो ये देखें, और ये मोटी वाली भी देखें। तो ये हमारी ये दोनों गली पड़ी है, पर ये हमारी काम कर जाएगी। और बारीक भी देखें, सही है, ये बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल बढ़िया है और अंदर से भी सही बता रही है। ये देखें, हल्की सी यहाँ घिसी हुई है, मतलब बारीक भी आपकी सही दिख रही है और मोटी भी गली हुई है, वो भी थोड़ी ऊपर से सही है, जिससे कि हम इन्हें कॉटन टेप करके वार्निश करके इन्हें चला के देखते चलती नहीं चलती। क्या होता है, तारा चलना होता है और रेजिस्टेंस भी ये दिखा रहा है, जो हमारी रेजिस्टेंस दिखा रहा है, रेजिस्टेंस भी पूरी दिखा रहा है जो हमारी फील्ड है मोटी पतली, तो सही है। तो इसको हम फिट करते हैं, इसका आर्मेचर है। कुछ इस तरीके से भी आप इसकी पुली निकाल सकते हो, इन दोनों चाबी 14-15 24 लक्स है और बाहर निकल जाएगा। पुलर कोई लेके गया तो इसलिए हमने बोल्टों के तरीके से पुली बाहर करी है। तो देखें, हमने उन पर कॉटन टेप करके कुछ इस तरीके से उन्हें फार्निश करके अब इन्हें कनेक्शन करके चला कर देखते हैं। तो क्या है, आर्मेचर भी हमने चेक किया, कंटिन्यूटी सही बता रहा है मीटर से। और उसके बाद अब हम फिट करते हैं। फिट करने के बाद इसमें देखिए, ये हमने सब चीज़ नहीं डाल दी, फिर भी हमारा करंट इसने एक बार बनाया उसके बाद गायब हो गया। तो हम आपको बताएंगे इसमें फॉल्ट क्या है और किस वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि हमने सब चीज़ चेक कर ली, मीटर से सब चीज़ ओके दिखा रहा है। देखें, ये सब चीज़ ओके दिखा रहा है, रेजिस्टेंस भी बोल रही है, बॉडी से कोई शॉर्टिंग नहीं है और सब बढ़िया काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, इसके अब हमने अल्टरनेटर फिट कर दिया। अब इसके हम ऊपर के बक्सा वक्सा टूट गया था, तो हम सब दूसरा लगा देते हैं और लगा के कनेक्शन करके आपको एक बार करंट निकाल के दिखाते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। और आर्मेचर देखें, आर्मेचर में भी जहाँ जहाँ कॉटन टेप हट रही थी वहाँ से हमने करके और स्लिप रिंग नहीं डाल के हमने चला दिया। तो देखिए, आर्मेचर भी सही कंटिन्यूटी बोल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखें दोस्तों, इसके हम कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको चला के दिखाते हैं। तो ये देखें, हमने इसके प्लेट में तार वार कनेक्शन उससे कर लिए, डायोड लगा लिए। इसके कनेक्शन मैंने आपको दिखाई रखे हैं, हमारी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो डायोड कैसे लगाते हैं और डायोड कनेक्शन कैसे करते हैं। तो ये देखें, हमने कुछ इस तरीके से कर लिए हैं, आप वीडियो रोक के भी देख सकते हैं। तो ये किस तरीके से कनेक्शन हो रहे हैं, तो ये देखें, इस तरह काट लेते हैं हम और मीटर लगा के चला के देखते हैं कि करंट बना रहा नहीं बना रहा। हम बाइक से चला के देखते हैं और बाइक में लगा के, तो बाइक से पता चलेगा कि हमारा काम कर रहा है नहीं कर रहा। हम मीटर के तार जोड़ देते हैं और साइड प्लेट के भी तार लगा देते हैं। ये देखें, इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों,
तो उसने एक बार करंट बनाया, दोबारा नहीं बनाया। तो अब हमने क्या करा, इसकी हमने फील्ड निकाली, फील्ड चेक करी कि इसमें एक फील्ड हमारी, क्योंकि सब चीज़ हमारी ओके थी फिर भी करंट नहीं बनाया। तो हमने फील्ड चेक करी और चेक करने बाद हमारी एक फील्ड उसमें थोड़ी रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखा रही थी, मतलब मीटर में तो सही बता रही थी पर बैटरी के हिसाब से या बिजली के हिसाब से ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रही थी। तो इसलिए हमने दोनों ही फील्ड दूसरी बना दी। तो देख सकते हैं उसमें बिल्कुल भी चिंगारी नहीं छोड़ रहा बैटरी लगाने से, और जो ऊंची पहले फील्ड थी वो ज़्यादा चिंगारी छोड़ रही थी तो हमने बदल दी है। तो कन्फ्यूज़न ज़्यादातर इस ऐसे ही होता है कि हमारी नई चीज़ होती है फिर भी हम पता नहीं किस वजह से क्या कर देते हैं। तो देखिए हमने नई फील्ड बनाई दोनों दोबारा, और बना के इसे फिट करते हैं, फिर उसके बाद फॉल्ट चेक करते हैं कि क्या फॉल्ट था। जो एक बार करंट बनाया ने फिर दोबारा करंट गायब हो गया इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने फिट कर दिया, अब दोबारा घुमा कर देख रहे हैं। तो ये देखें कितने वोल्टेज बना रहा है, ये देखें ये हमारा इतना करंट बना रहा है और ये फिर करंट गायब हो गया। तो देखें दोस्तों, तो इसमें ये दिक्कत थी, पिछली बार भी ने थोड़ा सा करंट बनाया था गायब हो गया था, इस बार भी थोड़ा सा करंट बनाया और गायब हो गया। तो हम चेक करते हैं इसको कि क्या दिक्कत हो सकती है और किस वजह से इसने करंट बनाया जो गायब हो गया और उसके बाद करंट नहीं बनाता। तो हम दोबारा बाइक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो इसमें एक ये था कि जो हमारा आर्मेचर था, आर्मेचर वैसे ओके दिखा रहा था पर जब हमने लगाया इसको तो कंटिन्यूटी सही दिखा रहा है, पर कई बार उसमें शॉर्टिंग कर दे रहा आर्मेचर। तो जब हमने आर्मेचर की, अब हम आर्मेचर तो बांधते नहीं, टाइम लगेगा, कस्टमर जल्दी कर रहा है, तो इसलिए हमने आर्मेचर क्या करा, आर्मेचर की तीन तार होती है तो दो कोयल की एक तार जो शॉर्ट थी तो हमने उसकी खोली, देखी स्पीड भी कितनी है उसकी, खोल के उसको अलग कर दिया, दो तार से ही दो कोयल पे चलाया, देखिए करंट बिल्कुल बढ़िया बना रहा है। तो जो तार शॉर्ट थी, जो बार बार शॉर्ट हो रही थी, बार बार अर्थिंग कर रही थी, उसे हटा दी हमने, उसको हमने देखे जनरेटर पर लगा दिया, कितना बढ़िया चल रहा है, और एम्पियर भी और समर सेल भी हमारा बढ़िया चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कुछ ना कुछ जो कमी होती है कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम जो ओके है उसे दोबारा चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारी सब चीज़ ओके थी, फिर भी उसके बाद भी करंट छोड़ रहा था। तो देखें अभी हमारा करंट नहीं छोड़ रहा, अभी हम समर सेल चला के दिखाते हैं आपको। ये देखें इसको स्टार्ट करके हम समर चला के दिखाते हैं, यहाँ पे काम चल रहा है, इसकी वजह से उन्होंने मंगाया था। तो ये देखें ये तार लग रहे हैं और समर देखें अब समर चल रहा है, देखें दोस्तों। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। जनरेटर में हल्की हल्की अर्थिंग आती है, जब हमारा लोड पड़ता है जब अर्थिंग आती है तो इसका मतलब आर्मेचर कहीं ना कहीं से हल्का फुल्का अर्थिंग है, तो उसी वजह से हल्की अर्थिंग आती है, उसमें से एक तार लेके आप